ये कविता दो लोगों की कहानी है। एक आप जो 21 दिनों के लिए अपने घरों में डरे सहमे बेबस बंद हैं, एक मैं जो आजाद हूं मुसाफिर हूं, किसी सुने हाईवे की ओर चुपचाप चला जा रहा हूं, आपके शहर से दूर, बहुत दूर, सैकड़ों मील दूर अपने गांव की तरफ। इस कहानी में आपके गैराजों में बंद छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, आपके ऑनलाइन ऐप से आती सब्जियां हैं, टीवी पर रामायण का वृतांत है। साहब आप सहमे सही, आप संभ्रांत हैं। इस कहानी में आप हैं, इस कहानी में मैं हूं, माफ कीजिएगा, इस कहानी में आप हैं और शायद इस कहानी में मैं हूं, मैं भी हूं। तुम्हारे मंदिरों की सीढ़ियों के बगल की दुकानों में मैं हूं, तुम्हारे सब्जियों के ठेले, तुम्हारे खानों के बाजारों में मैं हूं, तुम्हारे सुबह के अखबारों में मैं हूं, तुम्हारी बनती हुई दीवारों में मैं हूं, तुम्हारी दिए वाली दिवालियों में मैं हूं, तुम्हारी साफ होती नालियों में मैं हूं, तुम्हारी धुल रही गाड़ियों में भी मैं हूं, तुम्हारी शाबाशियों, तुम्हारी गालियों में भी मैं हूं। तुम्हारी शाबाशियां हों या तुम्हारी गालियां हों, दिल में फिर भी एक दिलासा था, रात को थक कर सोना सुहाता था, सुबह कमाना रात को झुग्गी जाना, अगले दिन फिर शुरू हो जाना, कभी तुमसे बातें करना, कभी तुम्हारे घर आना, कभी घर का पानी भी पीना, कभी कभी खाना भी खाना। मैंने सोचा अपना तो शहर है, यहां कौन होगा अनजाना, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हूं तो तुम हो तो मैं हूं। अब ये गलत फहमियां, ये गफलतें मैं किस किस से कहूं। आज जब आप अपने घरों में बंद हैं, आज जब आपके भविष्य पर प्रकृति की मार प्रचंड है, हमारा वर्तमान हमारा एकमात्र द्वंद है, आज जब प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद है, मैं खाना कहां से खाऊं साहिब, ये बताओ। हम अनपढ़ सही, आप तो अकलमंद हैं। तुम्हारे ट्विटर के फीड पर बरस रही लानतों में मैं हूं, तुम्हारी बढ़ रही बीमारी के कारणों में मैं हूं, सैकड़ों मील भूखे चल रहे जाहिलों गवारों में मैं हूं, आनंद विहार की बसों की भीड़ में पिस रहे इंसानों में मैं हूं। तुम्हारा आसमानों से बीमारियां लाना, हमारा रातों पैदल चल घर जाना, तुम्हारा 14 दिन सबसे अलग हो जाना, व्लॉग बनाना, स्टेटस लगाना, हमारा लाठियां खाना, जाहिल कहलाना और भूखे पेट सो जाना। आपको कल करोना होगा, आपको कल का रोना है, मेरा जो होना है साहब आज होना है। आपकी जिंदगी इंसानों की जिंदगी है, हमारी मौत हमारी जिंदगी, तो बस खिलाना है।